नमस्कार, रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं राजस्थान हिस्ट्री में, जिसका नाम है बीकानेर का इतिहास। तो आज अपन बीकानेर के इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अपन आज एक नवीन रियासत पढ़ेंगे जिसका नाम है बीकानेर रियासत। तो बीकानेर रियासत को पढ़ने से पहले मैं आपको एक मोटी मोटी बात बताऊं तो सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि जो ये बीकानेर है, इस बीकानेर रियासत के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं। तो अपन पहले प्राचीन नामों से स्टार्ट करते हैं और मैं एक रूपरेखा बनाता हूं, फिर अपन आगे जो भी शासक रहे थे इस राजवंश के, तो उनकी अपन एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे बात करें अपन बीकानेर, तो बीकानेर के अगर अपन प्राचीन नामों की बात करें, प्राचीन नाम, तो इसके प्राचीन नाम अपन को मिलता क्या क्या मिलता है। एक तो मिलता है अपन को जंगल प्रदेश, जंगल प्रदेश, और दूसरा नाम मिलता है अपन को राती घाटी। राती घाटी, तो बीकानेर के प्राचीन नाम जांगल प्रदेश और राती घाटी थे। और इस बकायदा अगर अपन जांगल प्रदेश की अगर अपन राजधानी की बात करें, राजधानी, तो जांगल प्रदेश की राजधानी अपन को मिलती है आई छत्रपुर। आई छत्रपुर, और आई छत्रपुर का अगर अपन वर्तमान नाम की बात करें तो इसका वर्तमान नाम मिलता है अपन को नागौर। और अगर आपने हिंदी ढंग से पढ़ी है तो आई का अर्थ भी नाग के संदर्भ में ही किया जाता है, तो आप इसे जोड़ के भी याद रख सकते हो। बीकानेर प्राचीन नाम जांगल प्रदेश और एक नाम मिलता है अपन को राती घाटी, और जांगल प्रदेश की राजधानी मानी जाती है आई छत्रपुर, और आई छत्रपुर का वर्तमान नाम माना जाता है नागौर। उसके अलावा इस बीकानेर को राती घाटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि बीकानेर वाले क्षेत्र में जैसे अपन बात करें भूरी प्रकार की मृदा, रेतीली मृदा ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, और उसका जो रंग होता है वह मतलब भूरे कलर का होता है, तो इसी वजह से इसको राती घाटी के नाम से भी बीकानेर को जाना जाता है। अब अपन अगर धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो ऐसे कौन से ग्रंथ आते हैं जिनमें अपन को इस बीकानेर का नाम देखने को मिलता है, तो अपन बात कर सकते हैं महाभारत की। महाभारत, महाभारत जिसके लेखक कौन थे, वेदव्यास। तो इस महाभारत में अपन को इस बीकानेर का जो नाम है वो क्या मिलता है, माद्रे जांगला, माद्रे जांगला, और एक नाम अपन को मिलता है कुरु जांगला, कुरु जांगला। और आपने अगर महाभारत देखा है तो जो माद्री थी वो माद्री, जो नकुल और जो सहदेव थे उनकी माता थी। तो महाभारत में अपन को बीकानेर के दो नाम देखने को मिलते हैं, एक नाम आता है माद्रे जांगला और दूसरा आता है कुरु जांगला, बीकानेर का प्राचीन नाम। तो आप बताओ कि जांगल प्रदेश, राजधानी थी आई छत्रपुर, जिसका वर्तमान नाम क्या है नागौर, और एक अन्य नाम और मिलता है अपन को बीकानेर का जिसका नाम है राती घाटी। अब अपन यहाँ पे कौन से शासक के द्वारा राठौर सत्ता को एस्टेब्लिश किया जाता है तो उसकी भी चर्चा करते हैं। तो उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको
मारवाड़ के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, तो बात करें अपन मारवाड़ की। मारवाड़, तो मारवाड़ के एक शासक हुआ करते थे और मारवाड़ के शासक का नाम था राव जोधा। राव जोधा और जोधा के एक भाई थे। जोधा के अगर अपन भाई की बात करें तो भाई का नाम अपन को मिलता है कांधल। मैंने आपको क्या बताया कि मारवाड़ के एक शासक थे राव जोधा और राव जोधा के एक भाई मिलते हैं अपन को राव कांधल, और जोधा के एक रानी थी और रानी का नाम था नौरंगदे। इन जोधा के एक रानी थी और रानी का नाम था नौरंगदे, और इस नौरंगदे और इस जोधा के अगर अपन पुत्रों की बात करें तो इसके दो पुत्र बताता हूं मैं आपको मुख्य रूप से। एक का नाम था बीका और दूसरे का नाम था बीदा, और पुत्र किसके? नौरंगदे और जोधा के पुत्र। तो मारवाड़ के शासक राव जोधा, जोधा के भाई राव कांधल और रानी थी नौरंगदे, यानी जोधा और इनकी रानी नौरंगदे के इनके दो पुत्र पैदा हुए, एक का नाम था बीका और दूसरे का नाम था बीदा। तो मारवाड़ के जो शासक थे जोधा, इनके द्वारा दरबार में कुछ विशेष महत्वपूर्ण तथ्य पर बातचीत की जा रही थी। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, तो अगर अपन बात करें, जैसे आप अगर ग्रामीण इलाके से हो तो आपको ये बात भली बात याद होगी कि परिवार में अगर अपना सबसे अच्छा कोई साथी होता है तो वो कौन होते हैं? चाचा जी, जिससे अपन प्यार भरी बातें कर सकते हैं। अगर अपना इधर उधर चक्कर चल रहा हो तो उस चक्कर के संदर्भ में भी अपन उनसे सहायता ले सकते हैं और वो भली भांति अपनी सहायता भी करते हैं। तो अच्छा रिश्ता होता है किसका? चाचा और भतीजा का। तो ये बीका और ये कांदल एक दूसरे से इतनी बनती थी इनकी का पूछो मत। तो जब जोधा दरबार में किसी महत्वपूर्ण घटना पर बात कर रहे थे तो ये जो कांदल और ये जो बीका थे ये इधर उधर की खुसर खुसर कर रहे थे कि आज अपन को वहां पे घूमने के लिए जाना है, ऐसे करना है वैसे करना है। तो एक बार तो राव जोधा ने इन दोनों की तरफ देखा, लेकिन ये तो अपनी मस्ती में मस्त थे। फिर राव जोधा ने भरे दरबार में इस कांदल और बीका को कहा कि क्या कर रहे हो आप क्या कोई नया गढ़ बनाने की सोच रहे हो? तो उस बात पर जोधा की इस बात पर इस कांदल को गुस्सा आ जाता है और ये कांदल कहता है कि बीका उठ, बहुत सुन लिया हमने, अब अगर ये ऐसा बोल रहे हैं कि अगर ये ऐसा बोल रहे हैं कि आप कोई नया गढ़ बसाने की योजना बना रहे हो तो अब अपन जोधपुर में तो नहीं रहेंगे, अब तो नया गढ़ ही बसाएंगे। तो इस प्रकार जोधा के ताने पर ये जो कांदल और ये जो बीका थे ये मारवाड़ का क्षेत्र छोड़ देते हैं और बीका ने अपने भाई बीदा से कहा कि भाई चलते हैं, अब अपन अब पापा वाले में तो नहीं रहेंगे, अब तो नया बसाएंगे, और यहां से रवाना हो जाते हैं। तो उस समय राव जोधा के ताने के ऊपर कांदल, बीका, बीदा और इनके साथ में अन्य सेनापति और यहाँ के बहुत से, जैसे बात करें अपन सेनापतियों की, जिनमें नापाजी सांखला का नाम मुख्य रूप से आता है, तो ये मारवाड़ के राव जोधा के ताने पर ये कांदल, बीका और बीदा और इनके साथ में अगर अपन बात करें तो नापाजी सांखला मुख्य रूप से आप इनको याद रखना, नापाजी सांखला। तो मारवाड़ के राव जोधा के ताने के ऊपर कांदल, नापाजी सांखला, बीका और बीदा, ये सभी बीकानेर का क्षेत्र छोड़कर कहां पे चले गए? अब इन्होंने जोधा से तो बोल दिया क
का अब आप हम आपके गढ़ में तो नहीं रहेंगे, लेकिन जाएं तो जाएं कहां। फिर नापाजी सांतला के द्वारा ये कहा गया का जांगलू जो हमारा क्षेत्र है, लेकिन वहां पर अभी वर्तमान में बलेच मुसलमानों ने अधिकार कर रखा है, तो अगर आप हमसे तो पार पड़ी नहीं। क्या बोला इस नापाजी सांकला ने, कहा हमसे तो पार पड़ी नहीं, और बीका बीदा और कांदल से कहा का अगर आप उन मुसलमानों को बलेच मुसलमानों को पराजित कर सकते हो तो अपन जांगलू की तरफ निकल सकते हैं। तो ये जो जांगलू था, जांगलू यहां पे अधिकार किसने कर रखा था, बलेच मुसलमानों ने, बलेच मुसलमानों ने यहां पे अधिकार कर रखा था। तो यहां मारवाड़ से नापाजी सांकला, कांदल, बीका और बीदा ये रवाना हो गए, और इन्होंने क्या किया, इन बलेच मुसलमानों को डिफीट कर दिया, इनको हराया, इनको हराया, और इस जांगलू वाले क्षेत्र पर इन्होंने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। किसने, बीका बीदा और कांदल के द्वारा जो जांगलू में बलेच मुसलमानों का जो अधिपत्य था उसको पराजित करके इस जांगलू वाले क्षेत्र पर इस कांदल नापाजी सांकला बीका बीदा के द्वारा अधिकार कर लिया गया। और अधिकार करने के बाद में जब अपन मारवाड़ पढ़ेंगे तो उस समय एक आती है, उस समय एक शासक आते हैं रणमल, और रणमल ने एक धर्म की बहन बना रखी थी और उसका नाम था करणी माता। तो कांदल ने कहा का लगे हाथ अपन करणी माता से भी मिल लेंगे। तो वह करणी माता कहां पे रहती थी उस समय, देशनोक में, जहां पे उनका मंदिर भी है, देशनोक में कौन रहती थी, तो करणी माता देशनोक में रहती थी। तो इस कांदल ने कहा का लगे हाथ अपन बुआ जी से भी मिल लेंगे। तो इन्होंने जांगलू के बलेच मुसलमानों को हराया और फिर करणी माता के पास में गए, तो करणी माता ने इस बीका को ये आशीर्वाद दिया का भले ही तूने बीकानेर छोड़ दिया है, लेकिन तू जो बीकानेर बसाएगा वह जोधपुर से भी महान रियासत बनेगी, ऐसा आशीर्वाद दे दिया इसने करणी माता ने, अर्थात देशनोक की जो करणी माता थी, इस करणी माता ने बीका को ये आशीर्वाद दे दिया का आप गढ़ वास्तव में गढ़ी बनाओगे। और बीकानेर की करणी माता का वो आशीर्वाद फलीभूत भी हुआ, क्योंकि पूरे इतिहास में अपन को ये देखने को मिलता है कर अगर किसी रियासत से टूटकर कोई छोटी मोटी रियासत बनती है तो उसका कोई विशेष इतिहास नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे जो बीकानेर, ये जो बीकानेर बसाया था, इसका मारवाड़ के बराबर ही अपन को इतिहास देखने को मिलता है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि करणी माता का वो जो आशीर्वाद था बीका के ऊपर वो सत्य साबित हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, कांदल नापाजी सांकला बीका बीदा के द्वारा जांगलू में बलेच मुसलमानों को डिफीट किया गया, और करणी माता के आशीर्वाद से इनके द्वारा एक बीकानेर में नवीन राठौड़ सत्ता को इस्टेब्लिश किया जाता है। तो आप यहाँ तक इसको नोट आउट कर सकते हो। अब मैं आपको आगे की बात बताने वाला हूँ कैसे, किस प्रकार इनके द्वारा जांगलू पर अधिकार करने के पश्चात कैसे आसपास के क्षेत्र जीते गए और किस प्रकार से इन्होंने एक नवीन राठौड़ सत्ता को इस्टेब्लिश किया था। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। तो इस प्रकार जो जोधा के ताने पर कांधल और बीका के द्वारा एक नवीन राठौड़ सत्ता को इस्टेब्लिश किया जाता है, और एक नवीन राठौड़ सत्ता की स्थापना की जाती है। तो अब क्या होता है, इनके द्वारा जब बीका के द्वारा जांगलू वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया तो इन्होंने धीरे धीरे और क्षेत्र जीतने की कोशिश की, और इन्होंने अब शासक कौन आ जाते हैं, बीका, बीका। तो इन्होंने
कोडम दे सर को जीता, जांगलू जीतने के पश्चात इन्होंने कोडम दे सर को जीता और चौदह सो अगर अपन बात करें 72 की ईस्वी में, 1472 ईस्वी में कोडम दे सर में ही इनको शासक घोषित किया गया, यानी 1472 ईस्वी में पहले इन्होंने कोडम देसर पर अधिकार किया और फिर 1472 ईस्वी में कोडम देसर को ही अपनी कोडम देसर में ही इनको शासक घोषित किया गया था और ये इसको राजधानी भी बनाना चाहते थे। तो आप ये भी लिख सकते हो, ये कोडम देसर को देसर को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे लेकिन भाटियों के द्वारा विरोध किया गया इसी कारण इन्होंने बीकानेर को ही अपनी राजधानी बनाया। और आप ये भी लिखो 1488 में आखा तीज के दिन, 1488 में आखा तीज के दिन इसके द्वारा बीकानेर शहर बसाया गया, अर्थात करणी माता के आशीर्वाद से 1488 ईस्वी में जो बीकानेर है, इस बीकानेर में एक नवीन राठौड़ सत्ता को इस्टेब्लिश कर दिया जाता है इसके द्वारा, इस बीका के द्वारा। आगे अगर अपन बात करें तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आती है जो आप उसको भी याद रखोगे, क्योंकि यहां से जो भी बीकानेर के शासक बनेंगे उनका अगर राज्याभिषेक होगा तो राज्याभिषेक किसके द्वारा किया जाएगा, तो एक जमींदार आते हैं, आप इसको भी याद रखना, एक जमींदार आते हैं जिनका नाम है पांडु गोदारा और एक जमींदार और आते हैं जिनका नाम है उला सारण। पांडु गोदारा और एक जमींदार और थे जिनका नाम था उला सारण। उला सारण
दोनों नामी जमींदार थे। कौन से क्षेत्र के? इस बीकानेर क्षेत्र के दोनों नामी जमींदार थे। और इन दोनों के बीच में पहले तो अच्छा तालमेल था, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ बातों को लेकर विवाद हो जाता है। तो एक तरफ पांडु गोदारा और दूसरी तरफ पूला सारण, और इस पूला सारण के साथ में बहुमत ज्यादा था, अर्थात यहाँ की जो पब्लिक थी वह इस पूला सारण का ज्यादा सपोर्ट कर रही थी और ये पांडु गोदारा अकेला था। तो इन दोनों के मध्य में लड़ाई हो जाती है। किसके बीच में? पांडु गोदारा और पूला सारण के मध्य में क्या हो जाता है? युद्ध। अब इस पांडु गोदारा ने सोचा कि अपन ऐसे तो जीतेंगे नहीं, तो इस पांडु गोदारा ने इस बीकानेर के बीका के पास में मैसेज भिजवाया, क्योंकि इसी समय ये जो बीका था ये आसपास के क्षेत्रों को डिफीट करके एक सत्ता को इस्टेब्लिश कर रहा था। तो इस पांडु गोदारा ने सोचा कि अगर बीका से अपन सहायता ले तो अपन युद्ध में विजयी हो सकते हैं। तो इस पांडु गोदारा के द्वारा इस बीका की सहायता ली गई थी। अर्थात पांडु गोदारा ने बीका के पास में मैसेज भिजवाया कि आप अगर मेरी सहायता करोगे इस युद्ध में तो मैं मेरे हिस्से की जो जितनी भी जमीन है वो आपको दान में दे दूंगा। तो इस प्रकार युद्ध में पांडु गोदारा और जो पूला सारण के मध्य में जो युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध में बीका के सहयोग से ये पांडु गोदारा विजयी रहता है और इस पूला सारण को हार का सामना करना पड़ता है और पांडु गोदारा इस युद्ध में विजयी रहते हैं। फिर विजय के पश्चात यहां से एक प्रथा बन जाती है कि अब के पश्चात जितने भी बीकानेर के शासक बनेंगे उन शासकों का जो राज तिलक है वह किस परिवार के द्वारा किया जाएगा। तो जो गोदारा परिवार है उसके द्वारा उनका राज तिलक किया जाएगा। तो इस घटना के बाद बीकानेर के शासकों का राज तिलक गोदारा परिवार के द्वारा किया जाने लगा था। जैसे ही पांडु गोदारा के द्वारा इस युद्ध में विजय प्राप्त की गई और बीका की सहायता से विजय प्राप्त की गई और जमीन जब बीका को दान में दी गई, तो उस समय से ये प्रथा बना दी गई कि बीकानेर के आगे जाकर कोई भी शासक बने उसका अगर राजतिलक है तो राजतिलक किस परिवार के द्वारा किया जाएगा? गोदारा परिवार के द्वारा किया जाएगा। तो आप इसको विशेष रूप से याद रखना। अब जितने भी बीकानेर के शासक होते हैं उन शासकों का राज तिलक ओनली गोदारा परिवार के द्वारा किया जाता था। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन अगर बात करें बीकानेर में, तो बीकानेर में जो बीका का जो निवास स्थान था, मैं आपको यह भी साथ ही में बता देता हूं, इसका जो निवास स्थान था उसको क्या बोला जाता था? बीकाजी की टेकरी। क्या बोला जाता था? क्योंकि आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बीकानेर में बीका का जो निवास स्थान था उसको क्या कहा जाता था, तो आप बताओगे बीकाजी की टेकरी नाम से उसको जाना जाता था। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, बीका इन्होंने कोडमदेसर को जीता और 1472 ईस्वी को कोडमदेसर में ही इनको शासक घोषित कर दिया गया था। और ये कोडमदेसर को राजधानी बनाना चाहते थे, अपनी कैपिटल बनाना चाहते थे, लेकिन भाटियों के द्वारा इसका विरोध किया गया। इसी वजह से इन्होंने बीकानेर को अपनी कैपिटल बनाया था। और 1488 में आखा तीज के दिन इनके द्वारा बीकानेर में एक नवीन राठौड़ सत्ता को इस्टेब्लिश किया जाता है।
और बीकानेर में इनका जो निवास स्थान था वो क्या कहलाता था, बीकाजी की टेकरी कहलाता था। फिर दो जमींदार आते हैं, एक का नाम पांडु गोदारा और दूसरे का नाम पूला सारण। तो इन दोनों के मध्य में विवाद हो जाता है और विवाद में पांडु गोदारा के द्वारा इस राव बीका की सहायता ली जाती है और यह बोला जाता है कि अगर मैं इस युद्ध में विजयी रहा तो मैं अपने हिस्से की सारी जमीन आपको दान में दे दूंगा। तो युद्ध में पांडु गोदारा विजयी रहते हैं और इनके द्वारा जो अपनी भूमि थी वह बीका को दान में दे दी जाती है। और इस घटना के बाद में बीकानेर में ये प्रथा बन गई कि बीकानेर का आगामी शासक कोई भी बने उसका जो राज तिलक है वह किस परिवार के द्वारा किया जाएगा। तो आप बताओगे सर गोदारा परिवार के द्वारा उसका राज तिलक किया जाएगा। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की चर्चा अगले सेशन में करेंगे। तो आपको अगर ये मामला समझने में आ रहा हो तो आप इनको देखने के पश्चात कमेंट करना ना भूलें और आप अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही अच्छे से करते रहें तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। तो आगे की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।